फिर एक बार चमका पन्ना का नया हीरा। पूजा सोनी ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा 2019 में हासिल की तीसरी रैंक, बनी डिप्टी कलेक्टर। पूजा सोनी का यह MPPSC में पहला अटेम्प्ट था। मध्य प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 2019 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा का लंबे इंतजार के बाद परिणाम कल मंगलवार को घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें पहली तीन पायदान पर बेटियां हैं और पूजा सोनी की तीसरी रैंक है। आपको बता दें कि पन्ना जिले के कस्बे देवनगर की रहने वाली पूजा सोनी, इन्होंने मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा में तीसरी रैंक हासिल करके समाज व पन्ना जिले का नाम समूचे प्रदेश में रोशन किया है। गौरतलब है कि पूजा सोनी 2022 में पहली ही प्रयास में UPPSC में 401वीं रैंक IPS बनने का लक्ष्य हासिल किया था एवं उत्तर प्रदेश PSC 2020 में 12वीं रैंक लेकर हमीरपुर में डिप्टी कलेक्टर के पद पर सेवा भी दे चुकी है। अभी पूजा सोनी हैदराबाद में IPS की ट्रेनिंग ले रही हैं। पूजा सोनी अपने राज्य आकर अपने लोगों की सेवा प्रदान करना चाहती थी, इसलिए पूजा सोनी निरंतर प्रयास करती रही। अब पूजा सोनी सफलता के प्रयास में सफल रही। पूजा सोनी ने बताया है कि महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्थान के क्षेत्र में काम करना है। पूजा सोनी के पिता खेती किसानी का काम देखते हैं और उनकी माँ गृहिणी है। पूजा सोनी बताती हैं कि उन्हें आगे बढ़ने में उनके माता जानकी सोनी, पिता महेश सोनी एवं भाई बहन ने उनका बहुत साथ दिया है। इसी कारण वह COVID-19 की आपदा को अवसर में बदल पाई और लॉकडाउन खुलते ही अपने एक के बाद एक सिलेक्शन की झड़ी लगा दी। कहते हैं, देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ।